हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में बात करेंगे आरआरबी बैंक यानी कि ग्रामीण बैंक की तरफ से एक जो वैकेंसी है उसी के बारे में बात करेंगे, जो आईबीपीएस की तरफ से ये वैकेंसी निकाला जाता है यानी कि रूरल रीजनल बैंक यानी कि आरआरबी बैंक की तरफ से। तो 11th फेज की ये एग्ज़ाम है यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट है जो 2023 में आई है। तो टोटल आपको 86 से 11 पोस्ट पे जो वैकेंसी है इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी जानेंगे कि कब से अप्लाई डेट है, कितनी सैलरी रहेगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या सिलेबस है प्री मेंस एग्ज़ाम के बारे में। यहाँ तक कि इसमें एग्ज़ाम डेट भी मेंशन कर दिया था। आइए इसके बारे में हम A to Z जानकारी जानते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें इसकी अप्लाई डेट का, तो 1 जून से लेके 21 जून 2023 तक ही इसकी अप्लाई डेट है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रखते हैं कि बैंक PO और क्लर्क का ये पोस्ट है, तो PO और क्लर्क के लिए आप चाहते हैं कि जॉब करें तो अच्छा खासा की सैलरी है। लगभग स्टार्टिंग सैलरी आपको 25 से 30 हज़ार बेसिक पे सैलरी है। इसकी फ़ी बात करें तो जनरल OBC के लिए आप 850 रुपया फ़ी पेमेंट लगेगी। SC ST PH और फीमेल के लिए आपको 175 रुपये का फीस पेमेंट करनी होगी। एज लिमिट की बात कर ले तो आपको एज 31 मई 2023 तक आपकी एज 27 साल हो गई, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। इसमें दो पोस्ट के लिए कि हम ये वीडियो बनाए, इसमें तो बहुत 4-5 पोस्ट है लेकिन हम ये दो पोस्ट पर फोकस करेंगे जिसमें वैकेंसी भी अच्छी खासी है। तो दो पोस्ट जो, तो पहली पोस्ट की बात कर ले जिसमें हम दो पोस्ट की बात करेंगे, तो पहले हम बात करेंगे ऑफिशियल असिस्टेंट के है जिसके लिए एज आपको 18 से 28 वर्ष की होनी चाहिए। अगर इसे सरल भाषा में समझें तो जो 2 जून 1995 से 1 जून 2005 के बीच में अगर आपकी एज है तो ऑफिशियल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर पाइएगा। फिर नेक्स्ट हमारा पोस्ट है वो ऑफिसियर स्केल 1 के लिए जिसके लिए एज आपको 18 से 30 साल चाहिए। 3 जून 1998 से 31 मई 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब हम बात कर दें कि एज रिलेशन कितना दिया जाता है, तो आप जनरल से है यानी कि एज रिलेशन OBC से आप बिलोंग करते हैं तो 3 साल, SC ST के लिए आपको 5 साल का एक्स्ट्रा दिया जाएगा यानी कि यहाँ जोड़ दीजिए तो 35 और यहाँ जोड़ दीजिए तो आपको 32 साल। SC ST के लिए, OBC के लिए यहाँ जोड़ देते 31 और यहाँ आपको 33। तो आप ये देख सकते हैं, आप ये एज सिलेक्शन से लेके आप पूरी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो या इस बीच में आप देख लीजिए, अगर आपके इस बीच में एज आ रही है तो आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा, आपके लिए वैकेंसी कन्फर्म रहेगी, आपके ये दोनों के लिए आप एलिजिबल है। अब हम लोग एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते। इसकी प्री एग्ज़ाम डेट आपको अगस्त 2023 में इसकी फिक्स है यानी कि बहुत कम टाइम रहे, जून जुलाई अगस्त यानी कि 2 महीने में आपकी एग्ज़ाम ले लीजिए। इसके बाद अगस्त बाद सितंबर नेक्स्ट मंथ में ही आपको मेंस एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी पोस्ट एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें 4-5 पोस्ट है लेकिन हम दो पोस्ट पर फोकस किए जैसे वैकेंसी के बारे में बात करें तो पोस्ट में एलिजिबिलिटी बता देते हैं। ऑफिसियर असिस्टेंट के लिए 5,538 पोस्ट पर वैकेंसी है जिसके लिए एलिजिबिलिटी आपको ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 के लिए जिसमें 2495 पोस्ट है इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। ये दोनों पोस्ट मिला तो लगभग 8,000 के आसपास आपके इधर ही वैकेंसी है। बाकी 600 में अलग अलग पोस्ट है, इसके लिए आपको बाकी नोटिफिकेशन आपको देख लेना है। नोटिफिकेशन का लिंक हम नीचे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पूरी नोटिफिकेशन आप अच्छी तरह से पढ़ पाइएगा। हम लोग बात कर ले कि इसकी सिलेबस क्या रहने वाली, प्री और मेंस एग्ज़ाम की सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर ले। असिस्टेंट ऑफिसर स्केल 1 का प्री का सिलेबस सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो प्री के सिलेबस की बात करें तो आपको 2 सब्जेक्ट से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जार्डनिंग से आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ से आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे। इनके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, 80 मार्क का आपका एग्जाम होगी और 2 घंटा की टाइमिंग दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग प्री एग्जाम में 1/4 निगेटिव है यानी कि 4 गलत होने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाए यानी कि 0.25 आपकी निगेटिव है। तो ये ऑफिसियर असिस्टेंट 1 और स्केल 1 का प्री एग्जाम का सिलेबस है। अब हम देखते हैं ऑफिसियर असिस्टेंट और स्केल्स ऑफिसियर 1 का मेंस एग्ज़ाम का हम लोग सिलेबस देखें कि मेंस की सिलेबस क्या रहेगी। तो मेंस की सिलेबस की बात कर ले तो इसमें आपको रीजनिंग से आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क रहेंगे यानी कि आप देख सकते 40 क्वेश्चन 50 मार्क। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ से आपको 40 क्वेश्चन 50 मार्क, कंप्यूटर से आपको 40 क्वेश्चन 20 मार्क यानी कि 1 क्वेश्चन आधे नंबर का हो गया। जनरल अवेयरेंस का हो गया आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क का। इंग्लिश या हिंदी कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश ले ले चाहे हिंदी ले ले, अपने हिसाब से ले सकते हैं। 40 क्वेश्चन 40 मार्क है यहाँ। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे आपकी,
200 मार्क का एग्ज़ाम होगा और 2 घंटा की टाइमिंग आपको इसमें दिया जाएगा। अब निगेटिव मार्किंग की बात कर ले कि आपकी मेंस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो दोस्तों निगेटिव मार्किंग मेंस एग्ज़ाम में भी है। जैसे प्री एग्ज़ाम 1/4 निगेटिव है, इसलिए मेंस एग्ज़ाम में आपको 1/4 निगेटिव है, यानी कि 4 गलत होने पर 1 नंबर आपको काटा जाएगा, और 0 पॉइंट यानी कि 1 क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 नंबर काटा जाएगा, और 4 गलत होने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो 1/4 इसकी निगेटिव हो गई। तो रूरल रीजनल बैंक RRB का रिक्वायरमेंट के लेके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है, एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, अप्लाई डेट भी सब कुछ आ चुकी है, इसके बारे में जो भी जानकारी हो सके हम लोग A to Z जानकारी जान लें। फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगी, आपके कमेंट के जरूर रिप्लाई किया जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन इस चैनल के थ्रू मिल जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।